पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग को सारा जाने। अच्छा चौधरी साहब, इससे कबल एक जज की ऑडियो लीक हुई थी, उस वक्त एक्शन लिया गया था। आज भी जजेस पे जो ऑडियो लीक कर रहे हैं, पहले तो उन पे एक्शन होना चाहिए। जब उन पे एक्शन होगा फिर देखेंगे इनकी ऑडियो कौन लीक कर रहे हैं। वैसे आप बताएं, आपकी तो दोस्ती है बड़ी। वही खुल के बता दो सर, जिनके बारे में बेचता है साथियों को। सर मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में जिनके बारे में कहा था नहीं ऑडियो से कौन बेचता है, और हर ऑडियो रोजगार वकार सकती को क्यों आती है, ये भी मुझे सोचने वाली बात। वैसे खान साहब क्यों इसके आते हुए थे हमें तो पता, आपको नहीं पता? आप ये बताया ना, इसका दोस्ती है बताए। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने एक सवाल उठाया है, पंजाब और के पी असम्बली क्या वो आइनी तौर पर फैली हुई है? अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जाएँ, तो क्या पाकिस्तान तहरीक साहब वापस असम्बली में जाएगी? नहीं, बात यह है कि पहले तो खैर मुझे लगता है कि इसके लिए तो आइन को ख़त्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास स्टीफ होने से फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हाल फिर यही है कि आप आइन का यह आर्टिकल के स्पीकर जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कालेजम करार देना पड़ेगा, उसके अलावा तो आप नहीं बहाल कर सकते। और ये तो 186 MPs ने ये जानते हुए कि असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं ये वोट दिया। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैसला, इससे ज़्यादा जमहूरी फैसला तो मुमकिन ही नहीं था। और अब भी अगर असम्बलियाँ बहाल होंगी चीफ मिनिस्टर